क्या कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स प्रभास के कंधों पे शुरू किया जा रहा है? इस सेंटेंस को मैं थोड़ा सा और भी हार्श करके शुरू कर सकता था, बट अभी के लिए आई गेट द अपील कि ये सिनेमैटिक यूनिवर्स प्रभास जैसे स्टार के साथ ही पॉसिबल है, जिसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो में बात भी की है। मगर जब से कल की 2898 एडी का नया ट्रेलर आया है, उन्होंने हमारी सारी स्पेकुलेशंस उलट पलट कर दी हैं, जिससे समझ में आता है कि प्रभास तो ट्रेलर का एक बहुत ही बड़ा सेलिंग पॉइंट जरूर से है, लेकिन उससे भी ज्यादा हमें अमिताभ बच्चन का कैरेक्टराइजेशन ज्यादा पसंद आता है, मिस्ट्री हमें कमल हसन के किरदार में ज्यादा नजर आती है, एंड इवन पास में एक जो बिग प्रमोशन भी उन्होंने किया हुआ था वो एक कार के बारे में था। तो भाई प्रभास जो एक्चुअली इस मूवी के फोरफ्रंट पे तैनात हैं, उसे इतना टेम डाउन करके प्रेजेंट करने का क्या इंटेंट था? क्योंकि बंदा पैसे तो लेकर आता ही है, किसी भी प्रोड्यूसर के लिए एक सोने के अंडा देने वाली मुर्गी से कम नहीं है। मगर जैसे कि हम जानते ही हैं कि हर एक किसी का समय होता है, स्पेशली जब आपका विजन एक सिनेमैटिक यूनिवर्स को भाई खड़ा करना हो, जिससे अब हमारी एक बहुत ही अब तक की सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल थ्योरी निकल के आती है, जिससे कई सारे फैंस नाराज भी होंगे कि कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स को प्रभास लीड नहीं करेंगे भविष्य में। क्योंकि भाई ये बात तो तय है कि ये दुनिया कल्कि की कहानी के बारे में है, ना कि प्रभास के किरदार भैरवा के बारे में। जहां भाई जब तक कल्कि तैयार नहीं हो जाता इस यूनिवर्स में खुद की आर्मी लीड करने को, तब तक हम कह सकते हैं कि प्रभास खुद को एज अ रिस्पॉन्सिबल अडल्ट के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि बाकी भी जो चिरंजीवी इस डिस्टोपियन दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, वो भी अपनी बरसों से आइडेंटिटी छुपा के जी रहे हैं, जिसमें भाई भैरवा एक बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है फेज वन में सबको लीड करने का। बट वहीं इन द लॉन्ग रन आई डोंट नो कि भाई स्टार्स का ईगो कितना बड़ा होता है। क्या भाई वो डबल हीरो वाली मूवी में काम करना चाहेंगे? क्या भाई वो किसी नए हीरो के साथ खुद को उसको आगे रखने के लिए काम करना चाहेंगे? या फिर भाई जैसा हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कि सेम चेहरे के दो हीरो भाई मूवी में एग्जिस्ट करते हैं, जैसा कि बाहुबली में हुआ था, उस रूट पे जाते हुए नजर आ सकते हैं। जो कि भाई व्यक्तिगत तौर से मैं वहां पे जाना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि भैरवा कथाओं के हिसाब से कल्कि के फादर नहीं है, एंड आई डोंट थिंक कि भाई मेकर्स को इस डिटेल को लेकर छेड़खानी करनी चाहिए। जा भाई मेरा क्या मानना है कि अभी के लिए जो भी इस यूनिवर्स की ट्रिलोजी या चार या पांच मूवीज बनेगी, उसमें प्रभास खुद को एज अ लीडिंग हीरो की तरह प्रेजेंट करे, कोई टेंशन नहीं है। मगर जब कल्कि की बारी आए तो उन्हें पीछे हटना पड़ेगा, जहां चाहो गिविंग द टॉर्च वाला हिसाब हो जाए कि भाई अब तुम्हारी बारी है, मेरा समय हो चुका है। या फिर मेरा जो फेवरेट है आयरन मैन जैसा एंड गेम का वो ग्रेटेस्ट सैक्रिफाइस वाला मोमेंट नहीं हुआ था, वो देख के दिल भर आता है वैसा हमें कुछ देखने को मिले, जिसपे पर्सनली आई विल गो फॉर द हीरोइक सैक्रिफाइस। क्योंकि भाई उसकी ग्रेविटी किसी और ही लेवल पे स्टैंड करती है, कि जब वॉर खत्म भी होती है ना, तब भी आप खुश नहीं होते हो, क्योंकि हमने एक नई दुनिया तो पा ली मगर उसके साथ बहुत कुछ खो भी दिया। तो भाई ये तो मेरा विजन था, जहां मैं फ्यूचर में भैरवा को लाइट से पीछे इस तरीके से खड़ा होते हुए देखना चाहूंगा कि भाई इट शुड मीन समथिंग कि जब भी वो जा रहा हो। एंड ये होना तय है जहां ये यूनिवर्स भाई कल्कि का है, जहां फिलहाल के लिए भैरवा को उसका टाइम मिलेगा एज अ फाउंडिंग फादर के तौर पे, कि भाई अगर ये ना होते तो ये सब कुछ शुरू ना हो पाता लिटरली। क्योंकि इसे पॉसिबल करने का बहुत बड़ा क्रेडिट प्रभास को जाता है, कि अगर हमें कोई एक बिग एपिक सिनेमैटिक यूनिवर्स दे सकता है तो प्रभास के कंधों पे ही पॉसिबल है। जहां भाई चाहे आप उसे पसंद करो या ना करो, मेरे भी प्रभास को लेकर बहुत सारे क्रिटिसिजम्स हैं, मगर भाई ये बात कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि जो मॉन्स्ट्रस नंबर्स में बंदा ये ऑडियंस को पुल करता है थिएटर में, नेशनली इंटरनेशनली हर तरफ से, वो सिर्फ इसी के साथ पॉसिबल है। एंड आई एम थैंकफुल कि भाई इस सुपर पावर को इस बार सही इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि तुम भैरवा के किरदार को भविष्य में कैसा देखते हो, अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। एंड इन्हीं सारी बातों के साथ साथ भाई मैंने वेनम के ऊपर भी बात की है, उसकी ट्रिलॉजी भी एंड हो रही है, उसके बारे में आप मेरी वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।